नमस्कार दोस्तों, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है या आपका वोटर आईडी कार्ड फट गया है या आपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कराया है और आपके वोटर आईडी कार्ड पर करेक्शन हो चुका है लेकिन अभी तक आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं आया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप रिप्लेसमेंट फॉर्म को फिल करके कैसे अपने पास वोटर आईडी कार्ड मंगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन भी कर सकते हैं या स्किप लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर स्किप लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इशू ऑफ रिप्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना नेम टाइप करेंगे। अब यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेस्ट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो यस पर क्लिक करेंगे और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो मैं यहाँ यस पर ही रहने देता हूँ। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करेंगे। अब यहाँ फेस डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ ये बताया जा रहा है हमने अपने रिकॉर्ड से आपकी डिटेल को निकाल लिया है। अब यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी वोटर आईडी कार्ड का डिटेल शो होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हाउस नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी टाइप करेंगे। यहाँ पर टाउन विलेज टाइप करेंगे। यहाँ पर अपने पुलिस स्टेशन का नाम टाइप करेंगे। यहाँ पर पिन कोड टाइप करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रीज़न टाइप करना है कि आप क्यों रिप्लेसमेंट वोटर आईडी कार्ड मंगा रहे हैं। आपका जो रीज़न होगा आप उसे यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। यहाँ ईमेल आईडी टाइप करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर तीन ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में है आप VRC या CSC सेंटर से अपना वोटर आईडी कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप कुरियर के माध्यम से अपने एड्रेस पर अपना वोटर आईडी कार्ड मंगा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आप अपने BLO से वोटर आईडी कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं दूसरा ऑप्शन पे। अब यहां नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको ऑफलाइन पेमेंट करना होगा 25 रुपये का VRC सेंटर पर यानी वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर। अभी यहां पर ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, बाकी कुछ समय बाद यहां ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना VRC सेंटर गूगल पर सर्च कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना नेम टाइप करेंगे। यहाँ पर आप अपने सिटी का नेम टाइप करेंगे। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो होगा। अगर आपको लगता है आपकी डिटेल यहाँ पर सही है तो आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और आपको रेफरेंस आईडी भी मिल जाएगा। आप इस रेफरेंस आईडी को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप इस रेफरेंस आईडी के माध्यम से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप इस रेफरेंस आईडी नंबर को VRC सेंटर पर बताएंगे और 25 रुपये का पेमेंट करेंगे। इसके बाद आपके एड्रेस पर वोटर आईडी कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। सो गाइस, आप इस तरीके से वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।